एशियन क्रिकेट से अगर बात करें तो काफी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स या फिर आपका एक क्रिकेटिंग सीरीज आने वाली है हाल फिलहाल में, अगस्त और सितंबर। जी हाँ, इन दो महीनों में काफी सारे क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको एसोसिएट की। जल्दी से क्विक गेम में आपको बताते हैं कि आगे कौन कौन सी सीरीजेस अगस्त और सितंबर में एसोसिएट टीम से रिलेटेड होने वाली है। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे अगस्त से। जी हाँ, अगस्त में भी एसोसिएट टीम्स के मैचेस हैं और वो इंटरनेशनल मैचेस हैं। ये गौर करने की बात है, ये ध्यान से लोग देखें और समझे कि वो इंटरनेशनल मैचेस हैं, कोई गली क्रिकेट के मैचेस नहीं है। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे अगस्त में शुरू होने वाले सीरीज के। बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी की टीम होस्ट करने वाली है फोर नेशन T20I क्वाड्रेंगुलर सीरीज। जी हाँ, जिसमें कि स्पेन, फ्रांस एंड नॉर्वे, ये तीन टीमें होंगी और जर्मनी होस्ट करेगी इसे। क्रैफिल्ड ग्राउंड होगा नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में, क्रैफिल्ड में वहां मैच होंगे। 5 अगस्त से शुरू होंगे एंड 8 अगस्त को एंड होगा। जी हाँ, ये मैच चलेंगे 5 से 8 अगस्त के बीच। सीरीज 4 दिन की ये सीरीज, 4 टीमों के बीच में काफी अच्छी सीरीज हो सकती है क्योंकि 4 टीम्स इसमें इंक्लूड है और T20I की ये सीरीज इंटरनेशनल मैच है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए। चलिए अगली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं कि अगली सीरीज और कौन से होने वाली। बिल्कुल, स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन की टीम टूर करेगी डेनमार्क एंड फिनलैंड का। जी हाँ, ये दोनों ही इंटरनेशनल टीमें हैं और इसी के साथ डेनमार्क से स्वीडन भिड़ेगी 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच 3 T20I सीरीज के लिए। जी हाँ, 3 T20I मैच की सीरीज होगी स्वीडन वर्सेस डेनमार्क। उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद स्वीडन की टीम फिनलैंड जाएगी। जी हाँ, T20I सीरीज खेलने के लिए 4 मैचेस की सीरीज होगी ये, जो 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच होगी। जी हाँ, तो ये 23 अगस्त तक ये चलेगी स्वीडन वर्सेस फिनलैंड की ये सीरीज। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सीरीजेस हैं अगर हम बात करें अगस्त मंथ की। अब और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे और बढ़ते हैं और एक और T20I इंटरनेशनल सीरीज आपको देखने को मिलेगी सितंबर की अर्ली वीक में। जी हाँ, पहली तारीख से ही वो सीरीज अर्ली वीक में ही शुरू हो रही है। जानते हैं वो टीम्स कौन सी है? बिल्कुल, देखिए रोमानिया। जी हाँ, रोमानिया होस्ट करने वाली है 6 नेशन कॉन्टिनेंटल T20I कप। जी हाँ, T20I इंटरनेशनल है ये। हाँ बिल्कुल, 6 नेशन T20I कप होस्ट करने वाली है रोमानिया, जिसमें की टीमें होंगी बुल्गेरिया, माल्टा, चेक रिपब्लिक, हंगरी एंड लग्जमबर्ग। जी हाँ, और 6ठी टीम ऑब्वियसली रोमानिया होगी और इसी के साथ ये 6 नेशन की सीरीज होगी। 1 सितंबर से शुरू होगी और 6 सितंबर को फाइनल होगा। जी हाँ, राउंड रॉबिन फॉर्मेट है और इन सबके साथ मैचेस होंगे, फाइनल 6 सितंबर को खेला जाएगा। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सीरीजेस हैं ये और ये जो कप है काफी अच्छा लग रहा है। 6 टीम्स यहाँ पे इंक्लूड होंगी, काफी इंटरेस्टिंग मैचेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग मैचेस आजकल एक्साइटिंग मैचेस ज्यादातर एशियन टीम्स में ही देखने को आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे आप बढ़ते हैं सितंबर में। जी हाँ, अब जो सितंबर का ये फेस है 6 तारीख के बाद से काफी क्रैकलिंग क्रिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के तहत ये सारे मैचेस होने हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है ODI सीरीजेस की। सबसे पहले जो सीरीज होने वाली है, ओमान होस्ट करेगा USA और नेपाल को। जी हाँ, ये होने वाला है 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, यानी अब सितंबर के फर्स्ट हाफ में, अर्ली हाफ में ही ये सीरीज होगी। इसकी डेट अभी तक, डेट जो कहे हुआ है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में होगा ये बिल्कुल तय है कि ओमान होस्ट करेगा USA और नेपाल को ODI ट्रांजिशन सीरीज के लिए, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का हिस्सा होना है, जिसके लिए USA और ओमान ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। नेपाल भी बहुत जल्द करने ही वाला है। ये बात हो गई इस सीरीज के बारे में। अब जान लेते हैं सितंबर के लास्ट फेस में। जी हाँ, थर्ड वीक और फोर्थ वीक के फेस में एक और बार ओमान होस्ट करेगा। किन टीम्स को होस्ट करेगा आइए वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, स्कॉटलैंड और पपुआ न्यू गिनिया। जी हाँ, ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के तहत ये सीरीज खेली जाएगी, इनको ओमान टीम होस्ट करेगी ठीक वर्ल्ड कप से पहले, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात। जी हाँ, और वो उनकी डेट लगभग आ चुकी है, वो कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी एक डेट है, वो है 23 सितंबर। उस डेट से वो सीरीज शुरू हो सकती है, ये ODI सीरीज होगी। चलिए एट द एंड ये जान लेते हैं सितंबर का जो खात्मा होगा एसोसिएट क्रिकेट क्लब से, वो होगा EPL से। जी हाँ, 25 तारीख को ग्रैंड EPL वापस शुरू होने वाला है, शायद 4th एडिशन है इस बार का, और EPL स्टार्ट होगा जो कि चलेगा 9 अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं काफी सारी एसोसिएट क्रिकेट है और EPL तक है, ओवरऑल यूनिवर्स क्रिकेट है, उसमें बाकी प्लेयर्स भी आते हैं वहाँ पे खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग क्रिकेटिंग सीजन आ रहा है, अगस्त और सेप्टेम्बर को अगर हम इंक्लूड कर दें तो काफी कुछ मैचेस देखने को आपको मिलेंगे। ये जो छोटे छोटे T20 के जो मैचेस आप सोच रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल मैचेस है, काफी इंटरेस्टिंग होंगे। ये आप कहाँ पे देख सकते,
सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे मैच प्रीव्यू में। जैसे ही ये मैचेस नजदीक आएंगे उसकी चिंता मत करिए, आपको ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप ये मैचेस कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पे स्कोरिंग देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबिलिटी मिलेगी। एनालिसिस और बाकी चीजों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या फिर कम्युनिटी आप भी हमारा चेक करते रहिएगा, बहुत सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंदरी डिलीट के साथ इस कंप्लीट एसोसिएट जो एक्साइटिंग सीजन आ रहा है अगस्त से सितंबर का, अगर आप उसके लिए एक्साइटेड है वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए। बाय।